देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। आया मेरे बेचैन दिल को करार। आहा, कहाँ थे आप तो? हे प्रभु, जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। हे प्रभु, कहाँ थे आप? आज तक आपको आदमी पहचाना कैसे नहीं? आखिर आप थे कहाँ? कौन कौन नाम है? ऐसे पता रहता तो 1947 में हम आपसे शादी करते। आज तक लता मंगेशकर की जगह तुमको रखते हैं हम। हमको इतने पहले पता कैसे नहीं चला? हे भगवान, हे प्रभु जगन्नाथ, हमसे इतना बड़ा गलती हुआ तो हुआ कैसे? हमको समझ में नहीं आया इतना बड़ा गलती। आप हमको एक बार फोन कर देते खाली कि हम आ गए इस धरती पे। आप मेरा तारीफ कर रहे हैं? नहीं प्रभु, प्रभु आप आखिर प्रभु प्रभु आखिर हम बोलना चाह रहे हैं ना कि आखिर आप इतना दिन थे कहाँ? इतना अच्छा आप गाते हैं, पता पूरा दुनिया ओहो। ये प्रभु गलती हो गया प्रभु, माफ कीजिएगा प्रभु। इतना सुंदर कन्या को छोड़, मतलब इतना दिन वो खाली रह गई। अरे प्रभु, तो कभी आपको मेरा याद नहीं आया? आया था ना। अच्छा, तभी ना हम आपके पास है अभी। ए प्रभु, तो हमको किसी तरह से, मेरा एक दोस्त था कमीना दोस्त, ठीक है प्रभु, तो वो चाहता था कि हम बर्बाद हो जाए मतलब बर्बाद हो जाए, मतलब वो चाहता था कि हम आबाद हो जाए। मेरा बोलने का मतलब है कि ये शादी करेगा तो मेरा दोस्त चाहता था कि ये शादी करे, बेचारा मेरा दोस्त है, कुछ आबाद हो जाए। वही आबादी के चक्कर में वो हमको तुमको देखने ले गया, और वो देख के हम बोले चलो, जब आपको लगता है कि भाई कि हम आबाद हो जाए तो हम आबाद हो गए इसी चक्कर में। लेकिन बहुत लेट हो गया, हमको ये भी नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाते हैं, नहीं तो हम कम से कम 20 साल पहले ही चल जाते। 20 साल एकदम 20 साल पहले जाते, पता है? तो मतलब एक और गाना हो जाए क्या? कुछ एक गाना और सुना ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगा कि इतना मधुर आवाज हम पहले कभी नहीं सुने थे। पक्का 20 साल पहले आपको खोजते हुए जाते, जब महात्मा गांधी थे ना साथ में, हम जाते उसके साथ साथ जाते और आपको हम खोज के लाते। वो मेरा सर कमीना दोस्त लोग कैसा दोस्त है जो इतना लेट में गया? ये नहीं कि थोड़ा पहले चले जाए। चलिए गनावर हो जाए। काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता। हाँ हाँ हाँ। रात को तेरी बाहों में तकिए के नीचे सोता। हाँ हाँ हाँ। क्यों कागज का टुकड़ा का तकिया का मलमल का जो तकिया वो काम नहीं दे रहा है? माना ये वाला जो तकिया है वो ठीक नहीं लगता आपको? कागजे का तकिया चाहिए? बस और हम हंस नहीं पाएंगे, मेरे हंस हंस के। यानी आप ये बताइए कि ये जो हमारे घर में तकिया है उसको हम जाके तब फेंक दें? कागज का टुकड़ा चाहिए ना? आप गाना को अच्छा से सुने नहीं, बिना सुने। अच्छा अच्छा, चलो फिर से बोलिए गाना, हम फिर से सुनना चाहते हैं। क्या गाना था? चलिए। काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को तेरी बाहों में तकिए के नीचे सोता। अच्छा, इसका मतलब जो दिल होता है वो कागज का होता? हाँ। हे भोलेनाथ, ये कौन सा दुनिया में आदमी जी रहा है? दिल भी कागज का चाहिए तो वो फट जाता ना। अब हम आपको भाषण नहीं सुनेंगे। अच्छा, आप ही बताइए, सच बताइए। अगर मान लीजिए कि मतलब किसी तरह से अगर कागज का टुकड़ा का दिल बन जाता, और मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे थे, बना सकते हैं। सुनो ना भाई, मेरा बात पहले सुन लो आप। और मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं और बारिश हो रहा, तब तो दिल तो मतलब पिघल जाता, गल जाता। प्रणाम प्रभु। तो ये गाना जो बनाया था वो क्या सोच के बनाया था? अच्छा सोचते हैं आप, अभी तक करोड़पति कैसे नहीं बने? हमारा पति है बाबू, तुमको नहीं पता। हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, जब गाना बनाया था उसको सोचना चाहिए कि अगर कागज का टुकड़ा का दिल होता तो वो जल नहीं जाता, मतलब गल नहीं जाता। आप ही बताइए क्या ये सच्चाई है? तो आप जाके पूछिएगा जो गाना गए थे।
चलिए कुछ और ऐसा गाना बताए ना जिसमें हमको लगे कि नहीं ये गाना एकदम सच्चा ही है। अभी तक वो जो गाना सुना है ना उसमें हमको ये जो गाना गाया ना ये तो शायद हमको भी लगा कि पहली पहली बार मोहब्बत की है कुछ भी समझ में नहीं आया। पहला पहला बार में आदमी को कहाँ समझ में आता है, हाँ ये बात एकदम सच है। आखिर आदमी पहली पहली बार मोहब्बत करे, चाहे पहली पहली स्कूल जाए, चाहे कुछ भी करे, पहले बार में किसी को कुछ समझ में आता है क्या, हाँ क्या ये सच्चाई है कि नहीं, आप ही बताइए। नहीं 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 आप ही बताइए कि पहली पहली बार अगर आदमी कुछ भी करेगा तो आदमी को क्या समझ में आएगा। आप थोड़ा इधर आ जाइए मैडम, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा इधर इधर। हाँ देखिए आप ये चीज़ एकदम सच बताइए कि पहली पहली बार अगर कुछ कीजिएगा तो पहली पहली बार में क्या समझ में आएगा। ये चीज़ हमको भी समझ में नहीं आया था, एकदम सच्चाई है। मानस उठ गई मेरे बेटा। अच्छा अच्छा चलिए एक दूसरा गाना सुनाइए। चलिए इस गाना में तो हमको पहली पहली बार था ये सच्चाई लगा कि हमको भी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए कुछ और गाना हो जाए। चलो हाँ उठते है कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते है कदम रुक जाते हैं। चलिए ये गाना हमको अच्छा लगा कि इसमें हमको कुछ कमेंट नहीं करेंगे कि इस गाना में हमको कुछ समझ में नहीं आया, कि जो भी बताएं वो अच्छा बताएं, लेकिन हमको थोड़ा सा कंफ्यूज है हम अभी तक। थोड़ा सा पीछे हो जाइए और थोड़ा हमको फिर से गाना एक बार गाइए ना आप, बस काफ़ी है, एक बार और गाइए। मतलब बहुत अच्छा लगा ये गाना, इसमें कोई कमेंट नहीं बचा मेरे लिए बोलने के लिए। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इस गाना के माध्यम से आप लोग दोस्तों जितने सारे दोस्तों हैं प्लीज़ अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, और जो भी कमेंट कीजिए भाई थोड़ा सा अच्छा कमेंट कीजिए ताकि किसी को बुरा नहीं लगे, अच्छा लगे। और जो भी वीडियो बनाते हैं इंटरटेनमेंट के तरफ से बनाते हैं क्या, जो भी वीडियो बनाते हैं कि इंटरटेनमेंट की, ताकि सबको ही हंसे और हंसाते रहे, और जिसके वजह से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग गलत कमेंट करने से मनोबल छोटा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अपना परिवार समझ के गलत कमेंट नहीं करें और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्ते, जय श्री राम, राधे 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 राधे।